आज मैं शेयर करने वाली हूँ हरे मटर की बहुत ही टेस्टी चटपटी दाल की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना और मेरे चैनल रचना इन द किचन में आपका स्वागत। तो फ्रेंड्स, मटर की दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप हरा मटर, एकदम फ्रेश वाला। ऐसे भी सर्दियों में बहुत ही ताजे और एकदम बढ़िया से मटर मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप मटर ले लिया है और अब मैं ले लेती हूँ 1 कुकर और कुकर के अंदर मैं मटर को डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसी कप से 1 कप मटर लिया है और मैं इसी कप से 1 कप पानी डाल देती हूँ मटर के अंदर और इसी के साथ में 1/2 चम्मच नमक डाल दूंगी मैं इसके अंदर, ताकि हमारी मटर के अंदर नमक चला जाए और अच्छे से टेस्टी बन जाए। तो यहाँ पर हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसकी हम 2 सीटी लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास में फ्रोजन मटर है तो आप उसकी 3 सीटी लगाइए, या फिर इस तरीके के मटर है तो आप इसकी 2 ही सीटी लगाइए। तो चलिए, मैं इसे गैस पर रख देती हूँ। तो मैंने गैस के ऊपर कुकर को रख दिया है और इसकी हम 2 सीटी आने तक इसको ऐसे ही रखे रहने देंगे। तो चलिए, हमारे कुकर में सीटी आ रही है, तब तक हम मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिया है 1 बाउल और बाउल के अंदर मैं डाल रही हूँ 1/2 कप दही। तो फ्रेंड्स, ये दही 1 दिन पहले का ही रहना चाहिए, यानी कि ताजा वाला दही, ज्यादा खट्टा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो सब्जी ज्यादा खट्टी बनेगी और फिर अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं दही को बाउल में डाल देती हूँ और यहाँ पर ले लेती हूँ मसाले। तो मसाले में फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ली है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 पिंच हल्दी, 1/2 चम्मच जीरा, इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच नमक। ऐसे भी हमने नमक हमारे मटर में डाल दिया है तो नमक हम यहाँ पर कम ही डालेंगे। तो यहाँ पर अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं, यानी कि दही का अच्छे से मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप दही को डायरेक्टली सब्जी में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से मसाला बनाकर सब्जी के अंदर डालेंगे तो दही फटेगा नहीं, एकदम बढ़िया सा रहेगा। नहीं तो ऐसे ही हम दही को डालेंगे तो सब्जी में जाके ये फट जाएगा और सब्जी का टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा और दिखने में भी अच्छी नहीं दिखेगी। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा मसाला अच्छे से बन गया है। तो चलिए, हम इसको तो रख देते हैं और हमारे मटर को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे मटर में 2 सीटी आ चुकी है, तो हम गैस को बंद कर देते हैं और इनका थोड़ा सा प्रेशर निकलने देते हैं। तो हमारे मटर का प्रेशर खत्म होता है, तब तक हम तड़का बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस पर रख दिया है 1 पैन और पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। आप चाहे तो यहाँ पर तेल भी ले सकते हैं, लेकिन घी से बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर हम घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा घी मेल्ट हो गया है, तो इसके अंदर मैं डालूंगी 1/2 चम्मच राई। और 1/2 चम्मच जीरा। और यहाँ पर मैंने ली है 2 से 3 हरी मिर्च, तो मैं ये भी इसके अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि हमने लाल तो हमारे मसाले में डाली ही है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 1 प्याज लिया है, तो मैं प्याज भी डाल देती हूँ और यहाँ पर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, तो मैं ये भी इसी के साथ में डाल देती हूँ और इसको भी मैं प्याज के अंदर अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर दिया है। फ्रेंड्स, मैंने लिए हैं यहाँ पर 8 से 10 कड़ी पत्ते, तो मैं ये भी डाल देती हूँ और इनको भी मैं इसके अंदर मिक्स कर देती हूँ और 1 से 2 मिनट के लिए हमारे प्याज को अच्छे से
इसके अंदर ही पका लेती हूँ। और गैस को हम रखेंगे इस समय पे मीडियम फ्लेम पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे प्याज का कलर भी चेंज हो गया है, यानी कि प्याज अच्छे से पक गए हैं, ब्राउन कलर हो गया है प्याज का। तो इस स्टेज पर मैं डाल देती हूँ इसके अंदर एक टमाटर की प्यूरी। तो ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो यहाँ पर प्यूरी डालने के बाद में भी मैं इसे 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे पका लूंगी। तो फ्रेंड्स मैंने इसे 2 मिनट तक अच्छे से पकाया है और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सा मसाला बन गया है। तो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ दही वाला मसाला जो हमने बना कर रखा था। और इसको इसके अंदर कर देंगे मिक्स। और अब हम इसे अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। तो फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुकी है मसाले को पकाते हुए और आप देख ही सकते हैं कि हमारा मसाला बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। तो फ्रेंड्स हमने दही के अंदर सारे मसाले डाल दिए थे तो हमें मसाले अलग से डालने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर हमारे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए और पककर तैयार हो गए। तो हम यहाँ पर गैस को कर देंगे लो फ्लेम पे और अब ले लेंगे मटर जो हमने रखे थे। मटर मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और इनको भी मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स इस स्टेज पे अगर आपको पानी डालना है तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मटर को मसाले के अंदर मिक्स कर दिया है तो मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा पानी। तो यहाँ पर मैं 1/2 कप पानी और डाल देती हूँ और गैस को कर देती हूँ फुल फ्लेम पे और इसको मैं अच्छे से 2 मिनट के लिए पका लेती हूँ, यानी कि इसमें उबाल आने देती हूँ। तो फ्रेंड्स हमारी दाल में यहाँ पर उबाल आ गया है और बहुत ही बढ़िया दाल बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पर हम गैस को कर देंगे बंद और इसमें जाएगा लास्ट में 1/2 चम्मच गरम मसाला। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि लास्ट में क्यों डाल रहे हैं, अगर हम लास्ट में डालेंगे तभी इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो यहाँ पर हरा धनिया भी डाल देते हैं और इसको भी मिक्स कर देते हैं और हमारे हरे मटर की दाल को एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक बाउल और बाउल के अंदर मैं डाल देती हूँ दाल। तो फ्रेंड्स हमारी दाल तो बनकर है तैयार, लेकिन हम उसमें एक तड़का और लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है और पैन में मैं डाल देती हूँ 1/2 चम्मच घी। आप चाहो तो यहाँ पर ऑयल डाल सकते हो या बटर डाल सकते हो, लेकिन जो घी का टेस्ट आता है वो दोनों का नहीं आता। तो यहाँ पर घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर घी गर्म हो गया है तो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ जीरा और 1 पिंच हींग। और यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च ली है और उसके इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइस में काट लिया है तो ये भी डाल देती हूँ। यहाँ पर इसको हम मिक्स कर देंगे, गैस को कर देते हैं बंद क्योंकि यहाँ पर हमारा जो जीरा है वो तेज हो जाएगा अगर गैस जलेगा तो। और ये हमारा बनकर तैयार है तड़का, तो हम इसे निकाल लेते हैं। तो तड़के को मैं डाल देती हूँ हमारी दाल के ऊपर और ये लीजिए हमारी दाल बनकर है तैयार। तो फ्रेंड्स इसे देखकर आ रहा है ना आपके मुंह में भी पानी, बहुत ही टेस्टी चटपटी गर्मा गर्म दाल बनकर है तैयार जिसे आप खाइए पूरी पराठा रोटी या चावल के साथ। तो फ्रेंड्स आप भी इसे बनाइए खाइए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और इसे अपनी फैमिली फ्रेंड सभी के साथ में शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।